टेम्पलेट है, मैं टेम्पलेट को एडिट करना इसमें आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट टेम्पलेट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। वेडिंग टाइटल एक आपके लिए बनाया गया है, इसको मैंने ओपन किया। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं कि इसको एडिट किस तरह करना है। अगर आपके पास ये टाइटल बार नहीं आ रही, इस तरह से आपके पास स्क्रीन आ रही, तो ये टाइटल बार यहाँ पड़ेगी, टाइटल दे रोल बना, इस पर आके आप डबल क्लिक करेंगे तो ये टाइटल बार आपके ओपन हो जाएगी। इसमें टाइटल बार में एडिट करने का तरीकाकार ये है कि अगर फर्ज करिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट पे आप राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे, उस तरह से भी आप एडिट कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट आप यहाँ लिखना चाहें चेंज कर सकते हैं। वेडिंग स्टोरी की जगह पे अगर आप वेडिंग या एंगेजमेंट कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो चेंज हो जाएगा। मुझे नहीं करना इसलिए मैं नहीं कर रहा यहाँ। उसके अलावा अगर आप फोटो पे चेंज करना चाहें, अगर आप कोई फोटो चेंज करना चाहें यहाँ से, यहाँ जिसमें मैंने एक फ़ोटो रखी हुई है, अगर फोटो की जगह पे आप कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, जैसे ये वीडियो मेरे पास पड़ी हुई, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी इसमें यहाँ पे ला के ऐसी रख दी, मैं इसको ऑफ करूँगा, ये वीडियो यहाँ पे आ गई है बैकग्राउंड में, यहाँ से हम पकड़ के तो इसको बड़ा कर लेंगे कि ये वीडियो बैकग्राउंड हो। इस तरह से आप वीडियो भी लगा सकते हैं, स्केल अप डाउन भी कर सकते हैं उसका। अब वीडियो को आप आगे इसको रेंडर करेंगे तो आपका ये इंट्रो रेडी है। इस तरह से आप कोई भी वीडियो भी पीछे लगा सकते हैं और इस तरह से चेंजिंग भी कर सकते हैं। चेंजिंग करने का इजी वे बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है। टेक्स्ट को चेंज करना है, टेक्स्ट भी यहाँ क्लिक करेंगे, राइट साइड टेक्स्ट आ रहा है। अगर आपका टेक्स्ट बार नहीं आ रही तो विंडोज से आकर टेक्स्ट बार आप निकाल सकते हैं, वर्क स्पेस में आना, ये टेक्स्ट बार है, यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। मेरी निकली है इसलिए मैंने निकाला। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।